नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अल्मोड़ा बस दुर्घटना में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड थी 42 सीटर बस, जहां इस वजह से बस जो खाई में गिर गई। इस हादसे के बाद अल्मोड़ा के SSP मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 3 टीमें हादसे वाली जगह पर पहुंची और बचाव अभियान चल रहा है। इस मामले को लेकर कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने बताया है, बयान दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कमिश्नर दीपक रावत ने। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है, इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में 3 घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पर उनका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने घायलों का हालचाल जाना। वहीं डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि इन घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। वहीं अभी तीनों घायलों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। तो देखिए, बेहद दुखद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर खाई में बस गिर गई है। 37 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इसी के साथ साथ कुछ लोगों को जो है हेलीपैड के जरिए एम्स रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी है। इसके अलावा जिनकी मौत हो गई है उसके तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी गई है और इसके अलावा जो घायल हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता दी गई है। फिलहाल ये दुखद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बस खाई में गिर गई और 37 लोगों की जान चली गई। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर शोक जताया है और इसी के साथ साथ जिनकी मौत हो गई है उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। जो घायल है उन्हें भी आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोष के जरिए प्रदान किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 घायलों की जो हालत है वो बेहद नाजुक बताई जा रही है। ही कुछ बता पाने में सक्षम रहा है, जिसका नाम अशोक कुमार है। 3 लोगों को यहाँ पे लाया गया है और तीनों की हालत नाजुक बनी है, जिसमें से एक ही कुछ बता पाने में सक्षम रहा है, जिसका नाम अशोक कुमार है। बाकी 2 जो है अननोन के रूप में ही हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। हमारे एक जो है वरिष्ठ चिकित्सक वहाँ पर घटनास्थल पर एयर एम्बुलेंस से जा भी चुके हैं और वहाँ पर असेस कर रहे हैं कि किसको भेजना है, और जैसे ही कोई चीज़ सूचना प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। और हरिद्वार के चंडीघाट पर गंगा उत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल 20 महिला जवानों के राफ्टिंग दल को ध्वज सौंप कर रवाना किया। तो चंडीघाट पर गंगा उत्सव का आयोजन हुआ है, कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए हैं। 20 महिला जवानों को भी जो है ध्वज सौंपा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बेहद भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं को ध्वज भी सौंपा गया है और इसी के साथ साथ ये पूरा गंगा उत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जहां जल शक्ति मंत्री की भी मौजूदगी है, पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए इसमें शिरकत की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगा उत्सव कार्यक्रम हुआ गया और यहां पर मंत्री की भी मौजूदगी है। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए, 20 महिला जवानों को भी ध्वज सौंपा गया है। तो गंगा घाट से हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीघाट पर गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है, तमाम देवताओं की भी यहाँ पर मौजूदगी है। जल शक्ति मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ भव्यता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम बेहद उत्साह के साथ तमाम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की और जल शक्ति मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं, 20 महिला जवानों को भी यहाँ पर ध्वज सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घाट की, जहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। उत्सव को बेहद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है।
और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जिस तरह से नदी की सफाई, नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। और चलिए पाड़ी गांव में चल रहे आदि शक्ति मां गिरजा भवानी राज राजेश्वरी के मंदिर में नवरात्रि मेले के सर्वप्रथम महिला मंगल दल के सदस्यों ने अतिथियों और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए हुए श्रद्धालुओं के स्वागत गीत की प्रस्तुति देकर किया। सावन चमोली की टीम ने मंच को संचालित करते हुए एक से बढ़कर एक देवी देवताओं की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान देवी देवताओं के जागीरों पर पंडाल में थिरके रहे महिला और पुरुषों पर देवी देवताओं ने अवतरित होकर अपने भक्तों के दर्शन एवं आशीर्वाद दिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले सावन चमोली के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस बीच तमाम जो महिलाएं हैं वो थिरकती हुई नजर आ रही हैं, पारंपरिक और सांस्कृतिक नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं, स्वागत गीत के साथ इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं और इस पूरे आयोजन में तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बेहद भव्य तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ तमाम महिलाओं ने सांस्कृतिक और पारंपरिक गीत गाते हुए अपने इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए नजर आए। सावन चमोली के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस बीच चमोली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए नजर आ रही है, प्रारंभिक पारंपरिक कार्यक्रम करते हुए नजर आ रही है, जहाँ स्वागत गीत की भी प्रस्तुति हुई, देवी देवताओं की भी जो है प्रस्तुति देते हुए तमाम महिलाएं नजर आई और यहां पर तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। तो बेहद भव्य तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, देवी देवताओं की प्रस्तुतियां दी गई, तमाम नृत्य करते हुए महिलाएं भी नजर आ रही थी पारंपरिक और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक नृत्य भी करती हुई नजर आ रही थी। तमाम महिलाएं देखिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा भाव के साथ सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी यहाँ गोरजा माँ भवानी का मेला हो रहा है। गोरजा माँ भवानी बहुत शक्तिशाली है और जो भी दिशा ध्यान यहाँ पे आती है तो वो पहले माँ भगवती गिरजा देवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर बुलावा था और साथ ही आप जैसे पत्रकार लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति देवी देवता है, हमारे जो कौतिक हैं मेले हैं, इनको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा उत्तराखंड का सौभाग्य है, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है। मैं भी बहुत बड़ा सौभाग्य हूँ कि आज यहाँ आया, मुझे भी बुलावा था। आप हमारे गांव में आए और माँ गोरजा भवानी के दर्शन के लिए आए, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप हमारे समस्त गांव की जनताओं को अनुभूत कराएं, यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएं कि हमारी माँ गोरजा भवानी कितनी ही शक्तिशाली है। जहाँ दूर देश से सभी लोग यहाँ वरदान के लिए आते हैं, माँ हर किसी की सुनती है। कोई कोई ऐसे हो जाते हैं कि जिनको माँ की कृपा नहीं पहुँचती है, लेकिन माँ का आशीर्वाद अपने हर किसी बच्चे पे समान रहता है, चाहे वो यहाँ उपस्थित हो। जो ये पंचवर्षीय मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता देवी को प्रधान के उसमें मिला है और श्री गोकुल सिंह नेगी के इस उसमें जो ये मुझे मंच खोल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उसका बहुत बड़ी ऋण आभार हूँ और उनके सपने ही आज मेरे पास ये पहुँचे हैं। और मैं आज इतना वो मानता हूँ कि वो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके लिए मतलब कुछ करने की इच्छाएं थी पर वो नहीं रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। चलिया पानी में नवरात्रा हो रही है, 9 दिन नवरात्र की माँ भगवती गुर्जा माता उल्का माता भूमि भूमिया रुपया सुपया दानों यहाँ पर जो है धरती माता परम पिता जो है हमारे यहाँ पर नवरात्रा हो रही, नौमी दशमी का टीका यहाँ पर हो रहा है। सभी जो हमारे बाहर के पब्लिक है, जनता है, महिला है, ध्याणी है, बुजुर्ग लोग है, सभी आने को माँ गोरजा भवानी। और रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में
कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस माँ भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलिथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। माजुला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है तो वही 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसी के साथ साथ मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा से संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को लंबित करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया है। के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहाँ पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में नीचे गिर गई। इस हादसे में अब तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यात्री बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये बस
गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर जा रही थी। बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है, सभी को भेजा गया है। तो जैसे हमें पता चला, हम भागते हुए आए थे, मेरे गाँव वाले थे साथ में। जैसे हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे उन लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं और जो बचे प्रशासन शायद 1 घंटे बाद पहुंची थी। और पौड़ी से रामनगर आ रही जीवो एक बस बारजुला के पास गोपी गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 61 यात्री सवार थे, उसमें से अब तक 37 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। अल्मोड़ा के सल्ट में हुए दर्दनाक बस हादसे में घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी अस्पताल में मौजूद है। उन्होंने सभी घायलों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिए जाने को लेकर निर्देश दिया है। और देहरादून के जिलाधिकारी सवेल बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस बार 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जमीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।